हटिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी भरत काशी ने छठ महापर्व को लेकर सैकड़ों समर्थकों के साथ रानी तालाब के पास बैठक किया। भरत काशी ने कहा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके रानी तालाब का सुंदरीकरण कर देंगे। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और पूरा इस टीम को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष लालू जी, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और जोहार करती हूँ। हमारे इस धनेश उत्सव के वार्ड सदस्य मुनि देवी जी, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और जोहार करती हूँ। हमारे जितने भी सामान्य पदाधिकारीगण हैं, हमारे जितने भी मंच पर बैठे हैं, हमारे जितेंद्र भैया, गवर्नमेंट भैया, बेबी दीदी जी, रोजी दीदी जी और जितने भी हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और जोहार करती हूँ। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं छठ छात्र क्लब के चलते। हम लोग हर साल धूमधाम से यहाँ छठ मनाते हैं और हर साल के भांति इस वर्ष भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और जो भी घटी बड़ी है सब हम लोग को बताएंगे, हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। इतना ही बोल के सभी को धन्यवाद और जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देखें नजर 24 लाइव। आज हम राजनीति के दंगल में आए हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र का सुंडुल गांव में। आज जानना चाहते हैं कि हमारे बरसों से आंसू का झंडा ढोने वाले व्यक्ति आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा मुसीबत आ गया, कौन सा उनके मोह भंग हो गई भरत काशी जी को कि जो झंडा उतार करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दादा जोहार। जोहार, आपका चैनल को भी धन्यवाद। और इस सबसे पहले कि इस क्षेत्र में भी निश्चित रूप से भी हम लोग आजसू में थे और मान लीजिए गठबंधन का जब बात आई तो इसमें ये सीट भाजपा पर चली गई, तो मान लीजिए हम लोग भी सोचे कि हम लोग को बैठना चाहिए, इससे महसूस हुआ। लेकिन यहाँ पर हटिया विधानसभा की पूरी जनता का मन था कि इस बार बदलाव होना चाहिए, हम ऐसे नहीं उठे हैं। इसमें जनता भी चाहे कि नहीं, इस बार है कि हर हाल में आपको चुनाव पर आना चाहिए। तो फिर इसमें बात आया कि हम लोग कैसे आए, तो बाद में भी सभी का निर्णय हुआ, जनता का निर्णय हुआ कि हम लोग को निर्दलीय आना चाहिए। ये सब बात हुआ, उसी हिसाब से हम लोग नॉमिनेशन हम लोग फाइल करने का काम किए। दादा, यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी दो है, एक बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, एक इंडिया गठबंधन एक इंडिया गठबंधन। अब बताए कि एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन में दोनों जबरदस्त टक्कर है, वो अपने आप के तीसरा स्थान में मतलब तीसरे जगह पे आप है, तो आप कहाँ पे अपने आप को पाते हैं? हम तो यही देखे कि जिस दिन हम लोग नॉमिनेशन जब फाइल किए थे उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि अरगोड़ा का मैदान में भी हम लोग भी एक सभा किए थे, जनसभा किए थे। उस दिन आप लोग भी देखे होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कांग्रेस हरमू का मैदान में भी बीजेपी का कांग्रेस का आपका है राम मंदिर शहीद चौक बिरसा चौक शहीद मैदान, और हम लोग अरगोड़ा में भी हम लोग भी एक निर्दलीय के रूप में भी जनता का विश्वास और जनता का ताकत के हिसाब से हम लोग यहाँ पर की अरगोड़ा में हम लोग सभा करने का भी काम किए। उस समय आप लोगों ने भी देखे होंगे कि सभी का मान लीजिए अब भीड़ और हम लोग का जनता का भीड़ जो निस्वार्थ भाव से जो गया था, तो निश्चित रूप से भी लग रहा है कि हटिया विधानसभा में बदलाव होना चाह रहा है। अब बदलाव आप लोग को उस दिन अरगोड़ा के मैदान में आप लोग को दिखा होगा। दादा, एक चीज और मैं बोलना चाहूँ कि आंसू पार्टी गठबंधन में था और गठबंधन का विधायक भी थे नवीन जायसवाल, आज भी है, लेकिन मैंने कवर किया कि बहुत सा क्षेत्र में रोड नाली बहुत सा दयनीय है। आज कौन सी ऐसा चीज हुआ कि सरकार में भी रहे और विपक्ष में भी रहे लेकिन विकास हटिया का जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो का कारण रह गया? कारण ये है ना कि जब से अगर स्टार्टिंग शुरुआत में देखिएगा तो हटिया विधानसभा में जब विधायक बने थे तो आजसू केला छाप से ही बने थे। उस समय से भी लोगों को लग रहा था कि हम लोग को माननीय सुदेश कुमार महतो जी डिप्टी सीएम और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ साथ पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी लोगों ने इस व्यक्ति को लाने का भी काम किया और उसी का प्रभाव से उस क्षेत्र में हटिया विधानसभा का सभी क्षेत्र में भी विकास हुई थी। उसी समय ये किला छाप के विधायक थे। उसके बाद जब पार्टी जब चेंजिंग हुआ कंगी छाप गए, कंगी छाप के बाद भाजपा के पास गए, लेकिन उनका मनसा बिल्कुल अलग हो गई।
मंशा ये बिल्कुल अलग होगी कि मान लीजिए कि सोचती है कि राष्ट्रीय पार्टी है तो हमको नाम से वोट देगा, ये सब सोचता है, तो ये संभव नहीं है। अब उस दिन से माननीय सुदेश कुमार महतो जी जब रोड को रास्ता को जो बनाए, उस समय से आज तक तीन बार विधायक बनने के बाद भी कभी भी इस क्षेत्र हटिया विधानसभा का क्षेत्र में भी विकास का जो गंगा बहना चाहिए वो कभी हो नहीं सका। ये सिर्फ सपना भर हम लोग को दिखाने का काम किया है। और दादा एक चीज और बोलेंगे कि आंसू से चुनाव लड़े किला छाप से तो चुनाव जीते, उसके बाद जेबीएम में आ गए कंघी छाप से तो चुनाव लड़े, फिर बीजेपी में आए तो भी चुनाव जीते, अभी चौथा टर्म है, अभी इस बार जनता उनकी क्या जवाब देगी आप बताइए। इस बार हटिया विधानसभा की 2024 में 13 तारीख के जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से हटिया विधानसभा की पूरे जनता सोच ली है, जान ली है कि किसी कीमत में इसको जीतने नहीं देना है। ये मुझे लगता है, ये महसूस होता है, क्योंकि जनता ही यहाँ पर सरकार है, जनता ही जनार्दन है, और जनता अगर चाह ली कि परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कितना दिन ढोएगा, तीन बार विधायक बनने के बाद भी जिस प्रकार से यहाँ पर क्षेत्र में खासकर रोड रास्ता नली गली का तो बात ही नहीं करना चाहिए, आज अगर मान लीजिए अगर क्षेत्र में भी आज वही मूलभूत आवश्यकताएँ सभी पर वो बात टिकी हुई है, अभी भी ऐसे रास्ते हैं जो 500 ऐसा रोड होगा जिसमें अभी भी बहुत उबड़ खाबड़ के साथ साथ भी अभी जो पहले बनी थी माननीय सुदेश कुमार महतो जी का समय में वो अभी तक मरामत तक नहीं हो पाया है, तो उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेगा। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हटिया विधानसभा की पूरा जनता सोच ली है, ठान ली है कि इस बार बदलाव हर हाल में करने की आवश्यकता है। दादा एक चीज और बहुत बड़ा समस्या है रोजगार, युवाओं जो है रोजगार के लिए कहीं न कहीं भटक रहे हैं, कहीं न कहीं वो रास्ता से ही हो जा रहे हैं, रास्ता से भटक करके कहीं गलत रास्ता में नहीं चल जा रहे हैं, तो उस युवाओं के लिए आपके क्या विजन है, क्या उसका प्लान है, उसको थोड़ा सा बताने। आज देखिए अगर तीन बार जो व्यक्ति विधायक बना, अगर ये चीज तो सोचना उसको था, क्योंकि वो पद पर था, भाजपा की सरकार के साथ भी थे, सभी मान ले तीन तीन पार्टी में जाके भी विधायक भी बने, लेकिन उनको ये कभी मन में ये नहीं लगा कि उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए इस हटिया विधानसभा के लोग कितना बेरोजगार है, रोजगार के चलते बाहर से लोग पलायन के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, अगर ये अगर वैसे सोचते तो हटिया विधानसभा में कोई कारखाना या किसी प्रकार से भी यहाँ रोजगार की सुविधा तो हो सकती थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और यहाँ पढ़ाई लिखाई का भी वही स्थिति है, यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज या मेडिकल किसी प्रकार से यहाँ पर सुविधा नहीं हो पाए, तो मजबूर हो के लोग बाहर यहाँ पर हटिया विधानसभा का छोड़ के बाहर में मजबूर हो जा रहे हैं काम करने के लिए या रोजगार के लिए या पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अगर इनका मनसा रहता तो ये चीज़ हमेशा पूरा हो सकता था, लेकिन अगर हम अगर मान लीजिए जगह में आए विधायक अगर बने तो जो आज तक जो नहीं किया है विधायक जी वो भरत काशी जरूर करेगा, क्योंकि हम इस क्षेत्र में पैसा के लिए नहीं आए, हम लोग चाहते कि मान लीजिए अपना निस्वार्थ भाव से हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना जो भी अगर जो भी आर्थिक जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम लोग चाहते हैं कि किसी का भी काम आ जाए, किसी को मदद आ जाए, ये सोचते हैं। और हम लोग एक रात दिन प्रयास करते हैं कि अगर इस बार अगर हम लोग अगर विधायक के रूप में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से इस हटिया विधानसभा में रोजगार के लिए भी हम लोग सोचने का काम करेंगे, कुछ ऐसे चीज हम लोग सुविधाएं देंगे जिसमें काम करने के लिए हटिया विधानसभा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज और पढ़ाई लिखा के चलते हम लोग कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर सोचने का व्यवस्था करेंगे। और साथ साथ इस बार ठान लिए है पूरा हटिया विधानसभा की पूरी जनता इस बार चाह रही कि बदलाव होने की आवश्यकता है। एक गठबंधन की सरकार जो है अभी मैया योजना भी लेके आई है, और उससे बहुत लोग को लग रहा है कि रामबाण के जैसा हम इस बार शुरू करेंगे, झारखंड में सरकार लाएंगे, और गठबंधन के द्वारा कांग्रेस का प्रत्याशी है, उनका किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए यही चीज तो हम पूछना चाहते हैं कि जो मैया योजना हुआ 1000 जो दे रहे हैं, इसमें भी आप देखिए कि बीजेपी भी 2100 रुपया की जो बात रखी गई थी, यही चीज तो मान लीजिए चुनाव से पहले भी तो हो सकता था, तो चुनावी प्रक्रिया में क्यों ऐसा हो रहा है? ये अगर मान लीजिए कि चुनाव का समय 1000 और 2100 जो हो रहा है, तो अगर मान लीजिए इसको अगर चाहते तो जैसे सरकार बनी थी, जिसकी भी सरकार बनी,
ये योजना तो मान ली शुरुआत से चालू हो जाना चाहिए था 2019 का सुबह से, या एक आध सप्ताह या सरकार बनी उसके बाद भी ये मैया योजना चालू होना था। 2100 रुपया जो अभी भी मान लीजिए जो रखी गई थी वो भी तो होना था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि चुनाव का समय ये वोट का राजनीति का अगर नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? तो ये हमारे साथ में हटिया से निर्दलीय प्रत्याशी भरत काशी जी, अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे और अभी इस बार जनता का मूड क्या है तो जानने के लिए देखते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।